और मेरा रास्ता इधर से पूरा गायब हो चुका है जहां से मैं घर जाता था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि सब बड़े होंगे, तो कमेंट में जरूर बता देना कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग पे। तो सुबह के बज चुके हैं 8, तो मैं भी सो के उठ चुका हूँ। अब जाते हैं, उठते हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या हालात है मौसम के। मौसम तो अंदर से खराब ही दिख रहा है, तो बाहर जाके पता लगेगा कि कैसा है मौसम। तो फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और निकलते हैं दुकान को। तो फिर मिलते हैं दुकान के रास्ते में। आज भी नीचे वाले रास्ते से जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि रास्ता कितना ज्यादा खराब हो गया था नीचे वाला। फाइनली दोस्तों, मैं बाहर तो आ चुका हूँ। इधर देख सकते हो मौसम के हालात कुछ ऐसे है, चारों ओर बादल से ढका हुआ मौसम। तो थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। चाहता हूँ तैयार हो जाता हूँ जल्दी से, ताकि बारिश ना आ जाए, फिर दुकान जाने में दिक्कत आ जाएगी। सो फाइनली दोस्तों, मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं नाले तक पहुँचने वाला हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि मेरा मेन वाला रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दो जगह रास्ता ख़राब है, बाकी नाले में पानी भी बहुत ज़्यादा आया है, उधर से भी रास्ता ख़राब है। तो आज मैं आपको बताऊँगा उधर से किस तरह हालात हो चुके रास्ते के। तो आगे जैसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, नाले से मैं निकल चुका हूँ। बाकी आप इधर मेरा रास्ता देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ऊपर से पूरा मलबा आ चुका है, और रास्ते के बीच में देखिए किस तरह से सारे पत्थर निकाले गए और नीचे जाके पूरा मलबा इकट्ठा हो गया था। पानी ज्यादा होने की वजह से उस मलबे को सारा ले गया पानी। और बाकी एक ऊपर बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी ऊपर जैसे तो इधर से मैं निकलता हूँ, क्योंकि इधर से भी घास बहुत ज्यादा उग चुकी है, अब इसमें सांप निकले की डर रहती है। बाकी ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। 5 minutes later इधर मैं दूसरी जगह पे पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरह से ऊपर से पूरा मलबा आया था इधर को, और मेरा रास्ता इधर से पूरा गायब हो चुका है। जहाँ से मैं घर जाता था और दुकान आता था, उधर से देखिए अब थोड़ा थोड़ा बनाया गया रास्ता। बाकी आप देख सकते हो किस तरह से मिट्टी ने नीचे से पूरा रास्ता निकाला, और सारी मिट्टी नीचे नाले में जाके इकट्ठा हो चुकी है। तो दोस्तों, रास्ता कुछ इस तरह खराब हो जाता है बरसात में बारिश होने के बाद। तो आज मौसम भी कुछ इस तरह से ही खराब है। बाकी घर वालों ने मेरे को बोला था कि बारिश ज्यादा होगी तो अपने बुआ के घर रहना, और बाकी देखिए मैं मक्की के बीच से होके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रही लोगों की छोटी छोटी खेतें, और इधर से मैं अभी आया, ये मेरा रास्ता है, और इधर भी खेत है। इधर से खेतें लगातार ऊपर तक है, जहाँ तक मेरी दुकान है उधर तक लगातार लोगों की खेतें है। और बाकी सामने देख सकते हो किस तरह मक्की हुई है, और इसका तुड़ान भी कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। तो अब तो घास भी बड़ा हो चुका, और मक्कियाँ भी तैयार हो जाएगी। अगले महीने से घास काटना भी शुरू हो जाएगा और मक्कियों का तुड़ान भी शुरू हो जाएगा। तो फिर अगले महीने से लगातार काम पे काम हो गए, और असली वजह तो आपको अगले महीने आएगा ब्लॉग देखने का, जब मेरे हालात कुछ ऐसी होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो फाइनली मैं दुकान को पहुंच चुका हूँ, और अब खोलता दुकान, करते साफ सफाई। आज दुकान के आगे साफ सफाई करने को भी है, और कूड़ा तो बहुत है आगे, तो साफ सफाई करने के बाद ही मिलते हैं। जिंदगी ऐसी जी चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों, सफाई वगैरह हो चुकी है, दुकान अब पीछे से साफ हो चुकी है। तो अब थोड़ी देर में चलाऊंगा फोन, तो बाकी काम तो होगा नहीं मेरे पास, तब जा रहा हूँ मैं फोन चला रहे। सो दोस्तों, टाइम बच चुके हैं 3, मैं सो गया था, अभी अभी मैं सो के उठा। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ इस तरह जुगाड़ करके सोया था दुकान में, क्योंकि पूरा दिन बैठ बैठ के नींद लगेगी, तो इसलिए मैं सो गया था। और अभी अभी मैं उठा हूँ, तो कुछ इस तरह से पूरा दिन निकालना पड़ता मेरे को, आप देख सकते हो। हम न पाए ऐसी जिंदगी, हम छिप छिपाए हम न आए आए। सो फाइनली दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ घर। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बारिश आने की संभावना हो चुकी है। तो मेरे को घर से कॉल आई थी कि आजा, बाद में रास्ता खराब हो जाता है बारिश ज्यादा होने की वजह से, कहीं बाद में बारिश आ जाएगी तो फिर मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अब निकलता हूँ जल्दी जल्दी घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।